कन्नौज में सोमवार की रात्रि 8 बजे तेंदुए के रोड साइड मक्का के खेत में होने की जानकारी मुख्य वन संरक्षक उज्जैन तथा वन मंडलाधिकारी देवास को दी गई। उनसे प्राप्त निर्देश के बाद रात को खेत के कोने पर पिंजरा लगा दिया गया। रात्रि को खेत से लगभग 1 किलोमीटर दूर रह के टीम ने निगरानी की। 13 सितंबर को दिन में तेंदुए ने खेत में घूमते हुए 2-3 बार सड़क की ओर उमेड़ा के जंगल में जाने की कोशिश की, पर भारी भीड़भाड़ और शोर शराबा होने के कारण वो वहां से बाहर नहीं निकल सका। जिस दिशा में वो जाने का प्रयास कर रहा था उधर घना जंगल है और हो सकता है उस जंगल में उसके बच्चे भी हो और तेंदुआ मादा भी हो सकता है। मंगलवार को सुबह 6 बजे से ड्रोन की सहायता से पूरे खेत की 2-3 बार जांच करवाई तो खेत में कहीं भी तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। ज्ञात रहे कि अज्ञात वाहन ने तेंदुए को सड़क पार करते समय टक्कर मार कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर वन विभाग तत्काल सक्रिय हो गया था। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कल सोमवार को मैं जहाँ पेंथर घुसा था खेत में वहाँ पहुँचा रात को और मैंने दिन भर की कार्रवाई के संबंध में डीएफओ साहब और सीसीएफ साहब को जानकारी दी और फिर उनसे निर्देश प्राप्त किए। निर्देश प्राप्त करने के पश्चात हमने तत्काल रात को ही मौके पे खेत के किनारे पे एक पिंजरा लगाया। पिंजरे में थोड़ा मांस के टुकड़े डाले और मांस जो है खेत में भी इधर उधर फैला दिया। उसके बाद करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे हम सभी लोग खड़े हो गए और देख रेख करने लगे। आज सुबह 14 तारीख को सुबह 6 बजे हम पहुँचे वहाँ और हमने खाते गाँव से जो ड्रोन संचालक है उनको भी बुलाया और बुलाने के बाद पूरे खेत को जो है ड्रोन की सहायता से सर्चिंग कराई और फिर खेत में भी पूरे सभी कर्मचारियों को घुमाया गया, पैदल चल के घुमाया गया। पेंथर वहाँ नहीं मिला। कल भी पेंथर 2-3 बार जो उमेड़ा का जंगल है वहाँ से खेत से दक्षिण दिशा की ओर उधर वो जाने के प्रयास किए थे। इसका मतलब ये है कि कहीं उसके बच्चे या कब्स उस जंगल में है और वो मादा पेंथर हो सकती है। कल रासायनिक तरीके से उसको बेहोश करने का काम जो है हमने वरिष्ठ के निर्देश आने तक टाला था क्योंकि फीमेल हो सकता है, गर्भवती भी हो, इस कारण से उसको टाला गया था। इस प्रकार आज की कार्रवाई से निष्कर्ष निकला कि पेंथर उस खेत में नहीं है और कहीं जंगल में सुरक्षित उसका जहां आवास है जंगल है वहां वो चला गया है। फिर भी वहां के आसपास के लोगों हमारे कर्मचारी जो वहां हैं आसपास के उनको बोला गया कि आप जो है जब भी कोई ऐसी सूचना मिले पेंथर के संबंध में तो तत्काल जानकारी हमको और वरिष्ठ को भी दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।